दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने मार्शल आर्ट फॉरेन कंट्री से सीखा है या फिर कहूँ अपने फिल्मों के लिए अब्रॉड गए एंड मार्शल आर्ट सीखा। तो वो 10 एक्टर्स कौन है और आपके फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट टॉप 5 के अंदर है और जानना चाहते हो कि कौन से कंट्री से आपके हीरो ने मार्शल आर्ट सीखा है तो बने रहो आखिर तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों टॉप 10 पर है सरप्राइजिंग सुपरस्टार यानी कि अजय देवगन जो कि ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुके हैं और आपको याद ही होगा 90s में खतरनाक स्टंट्स एंड फाइट्स कौन करता था भाई, हमारे अजय भैया के अलावा, चाहे वो बाइक स्टंट्स या फिर कार स्टंट्स, छाए हुए थे अजय देवगन। और अगर बात करें दोस्तों इन्होंने सीखा हुआ है टेक्वांडो फाइटिंग स्टाइल फ्रॉम साउथ कोरिया। दोस्तों टॉप 9 पर है यहाँ पे रणदीप हुड्डा, बहुत ही ज्यादा धाकड़ सुपरस्टार हैं। हॉलीवुड में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। एक्सट्रैक्शन में आपने इनकी तगड़ी फाइटिंग सीन देखी ही होगी और ये कोई ऐसे वैसे मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि भाई मास्टर हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए फाइटर हैं ये। एंड सुल्तान मूवी में सलमान खान को ट्रेन करने वाले यही तो थे। और अगर बात करें दोस्तों एमएमए फाइट की तो ये बिलोंग करती है मे बी साउथ कोरिया और नेदरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों टॉप 8 पर है यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड दीपिका पादुकोण, जिन्होंने खासकर अपनी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के लिए जियू जिट्सु एक जापानी स्टाइल मार्शल आर्ट है इसे सीखा था जो कि इस्तेमाल होता है क्लोज कॉम्बैट फाइट में। एंड दीपिका पादुकोण की ऑसम फाइट तो आपने चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में देखी ली होगी। दोस्तों टॉप 7 पर है यहाँ पे एक और बॉलीवुड की क्वीन जो कि मैरी कॉन्ग हो या फिर कहें द्रोणा फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीखा कि बहुत तरह तरह की फाइटिंग स्टाइल इन्होंने सीखी हुई है चाहे हो एमएमए या फिर टेक्वांडो एंड खासकर हॉलीवुड धाकड़ मूवी बेवॉच के लिए इन्होंने काजू केम्बो मार्शल आर्ट सीखा जो कि हवाई से बिलोंग करती है। दोस्तों टॉप 6 पर है यहाँ पे बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकार जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा हॉट दिखने में लगती है इनका, इनके लिए है एज जस्ट ए नंबर यानी कि मैं बात कर रहा हूँ द ब्लैक बेल्ट क्वीन इन कराटे शिल्पा शेट्टी। बहुत ही बेहतरीन एक योगा ट्रेनर हैं, साथ ही साथ बहुत ही दमदार मार्शल आर्ट फाइटिंग स्किल्स ये सीखते आ रहे हैं वो भी बचपन से ही। और अब आने वाला है मजा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि आपके सभी फेवरेट एक्टर्स का जलवा शुरू होता है। टॉप 5 पर है, 6 पर है यहाँ पे बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स जानते हैं चाहे हो एमएमए या फिर कहें जापानीज फाइटिंग स्टाइल या फिर वियतनामी फाइटिंग स्टाइल। एंड खासकर यार इन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की थी रेस 2 के लिए केज फाइटिंग सीन के लिए एमएमए सीखा था। और दोस्तों टॉप 4 पर है यहाँ पे बॉलीवुड के वन ऑफ द मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार HRX यानी कि द ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। ये भाई कोई ऐसे वैसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ये है एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट। और क्या आप जानते हैं अपनी डेब्यू मूवी से पहले ऋतिक रोशन डांसिंग क्लासेस एंड कराटे क्लासेस मार्शल आर्ट्स क्लासेस लेते आ रहे थे एंड काफी ज्यादा ये स्किल्स उनको हेल्प की चाहे हो उनकी फिल्म कहो ना प्यार है कोई मिल गया या फिर क्रिश या फिर कह लो द एक्शन पैकेज मूवी बैंग बैंग। टॉप 3 पर है दोस्तों यहाँ पे हमारे अक्की भैया यानी कि द खिलाड़ी अक्षय कुमार, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग सुपरस्टार है। एंड क्या आप जानते हैं इन्होंने 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुके हैं कराटे में एंड लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है मार्शल आर्ट्स के लिए एंड खासकर मार्शल आर्ट सीखने के लिए। ये भाई पहुंच गए थे थाईलैंड बैंकॉक वो भी अपने यंग एज में। एंड दोस्तों टॉप 2 पर है यहाँ पे टाइगर श्रॉफ जो कि अपने चाइल्डहुड से ही इंडियन मार्शल आर्ट सीखते आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जिमनास्टिक हैं एंड खासकर बागी सीरीज की बात करें तो इन्होंने भाई थाईलैंड से ट्रेनिंग ली हुई
किया है अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को और बेहतर करने के लिए। एंड खासकर इन्होंने टेक्वांडो सीखा हुआ है जो कि एक कोरियन मार्शल आर्ट फॉर्म है, साथ ही साथ इन्होंने एक जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म वुशु सीखी हुई है। तो दोस्तों नंबर वन पर कौन है? बॉलीवुड के नंबर वन एक्शन एंड स्टंट परफॉर्मर विदू जामवाल, जिन्होंने द ट्रू मार्शल आर्ट फॉर्म कह लो या फिर द फादर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट फॉर्म कह लो कलारी पयात सीखी हुई है, जो कि एक ओल्डेस्ट इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल की उम्र से ही कलारी पयात सीखना शुरू कर दिया था केरला में, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में इनका नाम भी बेशुमार किया जाता है। और ये बहुत सारे अब्रॉड कंट्री घूम चुके हैं, इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पर एंड इंडिया का नाम रोशन भी किया है, एंड साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट मार्शल आर्ट्स सीखे हैं डिफरेंट कंट्री से। एंड वीडियो आया है पसंद तो इसे पक्का लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड के लिए राइट वाली वीडियो देखें, टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें। एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय।